नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं शरावतला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आपको बता दें कि 27 सितंबर यानी आज जो है सवेरे 10 बजे टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। टूरिज्म कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा इसका आयोजन राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। पर्यटन मंत्री रामध्वज साहू कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, विकास उपाध्याय छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और उपाध्यक्ष श्रीमती चित्ररेखा साहू विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम भूपेश बघेल ने नवरात्र पर्व के प्रथम दिन मां बम्लेश्वरी के दर्शन करने डोंगरगढ़ पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने माता की विधिवत पूजा कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और प्रदेशवासियों को नवरात्र की पर्व की जो है बधाइयां दी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए टूरिज्म कॉन्क्लेव की, तो आज टूरिज्म कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री जो है इसमें शामिल होने वाले हैं, कितने बजे वो शामिल होंगे और कहां पर इसका आयोजन किया गया है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पर्यटन दिवस के रूप में मनाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। इसके अलावा एक निजी होटल में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ पर्यटन दिवस मनाने के लिए ताम्रध्वज साहू जो पर्यटन मंडल के मंत्री है, इसके अलावा अटल श्रीवास्तव सहित तमाम विकास उपाध्याय भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। और आज पर्यटन के रूप में छत्तीसगढ़ में चिन्हांकित जो ऐसे स्थान है जो पर्यटन को सुरक्षित करती है और आकर्षित करती है, ऐसे स्थानों का भी चयन करके वहाँ की विकास और वहाँ की गाथा को लेकर के चर्चा भी की जाएगी। साथ ही साथ राम के ननिहाल जो चंदपुरी है उसको पर्यटन जब से घोषित किया गया है वहाँ आवागमन लोगों के खासतौर से विदेशी जो पर्यटक है वो उनकी चाह जो है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है और भारत के अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं, उनको किस तरीके से सुविधा दी जा सकते हैं और छत्तीसगढ़ को एक स्वर्णिम पर्यटन के रूप में किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। आज 27 सितंबर है और निश्चित तौर पर पर्यटन दिवस के रूप में मनाने की जो विकल्प है और साथ ही साथ इसके अलावा जो अन्य और पर्यटन को लेकर के और किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह भर सकते हैं, उनको पर्यटन के बारे में और क्या विस्तार से बताया जा सकता है, इसके ऊपर सबसे बड़ी फोकस रहेगी। जी लेकर अखिलेश, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, तो इस टूरिज्म कॉन्क्लेव से कितना फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा? इस टूरिज्म आयोजन के जो निश्चित तौर पे इससे कई तरीके से फायदे भी मिलेंगे, क्योंकि जो प्रचार प्रसार की सबसे बड़ी समस्या होती है टूरिज्म को लेकर के, जिसमें इस आयोजन से निश्चित तौर पे लोगों को आसानी से इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी और इस जानकारी कार्यक्रम के बाद से ही लोगों को छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जलप्रपात हैं चाहे पर्यटक स्थल हैं इसकी जानकारी समाहित होगी, तो निश्चित तौर पे यहाँ के जो पर्यटक आने वाले जो लोग हैं उनको काफी सुविधा मिलने वाली है। सुविधा के साथ साथ यहाँ के बारे में विकास और क्या किस तरीके से जो पर्यटक को लेकर पर्यटन को लेकर के और बढ़ावा दिया जा सकता है इसके ऊपर फोकस रहेगी। तो निश्चित तौर पर खासतौर से नक्सल क्षेत्रों में सबसे बड़े पर्यटन स्थल माना जा रहा है, चाहे जलप्रपात की बात किया जाए, चाहे चित्रकूट की बात किया जाए या फिर आपकी बात किया जाए, बस्तर झरने की बात किया जाए या सरगुजा के लक्ष्मण मंदिर की बात किया जाए, ऐसे कई ऐसे स्थान है जहाँ चिन्हांकित है, लोगों को जानकारी का अभाव होने की वजह से यहाँ पर्यटक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आज की जो कार्यक्रम है उससे ये संदर्भित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो पर्यटक आएंगे और जो लोग देखने के लिए आएंगे इससे खासा प्रभाव भी पड़ेगा और जो बाहर से जो विदेश से आ रहे हैं उनके प्रचार प्रसार और वो किस तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने अपने इवेंट को किस तरीके से भागता निभाया जा सकता है इसके ऊपर काफी फोकस रहेगा और इससे प्रचार प्रसार बढ़ेगा। नहीं सर, अखिलेश, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से टूरिज्म को लेकर अगर बात कर ली जाए, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या क्या कर रही है कि जो पर्यटक हैं वो छत्तीसगढ़ की ओर जो है आकर्षित हो? छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित करने के लिए कई तथ्य अपनाएंगे और कई ऐसे विषय वस्तु को सम्मिलित भी किया गया है, लेकिन जो पर्यटक छत्तीसगढ़ में आने चाहिए वो अब तक के नहीं आ पा रहे हैं। इसका
खास कारण ये भी माना जा रहा है कि नक्सली जो मूवमेंट होते हैं, नक्सली जो समस्या है सबसे बड़ी, ये सबसे गंभीर है, क्योंकि यहाँ जो लोग आने वाले हैं उसके लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत है कि हर एक के दिमाग में बैठा हुआ है कि वहाँ सबसे ज्यादा नक्सली हमला होता है और नक्सलियों के कारण ही यहाँ पर्यटक के जो रूपरेखा जो तैयार किए जाते हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट भी किया जाता है और जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है, लेकिन नक्सलियों की वजह से ये जो मूवमेंट है वो कम होती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा राज्य सरकार को पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसे स्थान है, चाहे रायपुर राजधानी से लगे चंदपुरी की बात किया जाए, महामाया मंदिर की बात किया जाए, चाहे डोंगरगढ़ की गंगेश्वरी की माता के दर्शन की बात किया जाए, तो यहाँ देश से भी लोग आते हैं। लेकिन जैसे ही बस्तर संभाग की बात की जाती है तो यहाँ जो पर्यटक को आकर्षित करने वाले निकल करके सामने आना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसके लिए खासा प्रभाव अगर सरकार नहीं दिखाती है तो आने वाले कल पर्यटक के रूप में भी यहाँ नुकसानप्रद हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं चंदपुरी को राम की ननिहाल के नाम से जिस तरीके से विकास की ओर ले जाया जा रहा है, इससे पर्यटकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। नीति चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो कि आपको बता दें, लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक आज। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक आज शाम 4:30 बजे सीएम करेंगे बैठक। तो शाम 4:30 बजे सीएम द्वारा ये बैठक की जाएगी। तो आज योगी कैबिनेट की बैठक है, बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। तो बैठक में कई अहम जो प्रस्ताव है उसमें मुहर लगेगी। तो शाम 4:30 बजे आपको बता दें सीएम बैठक करेंगे और योगी कैबिनेट की बैठक आज है। और इसी के साथ ही बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक आज शाम को ये बैठक होगी, 4:30 के आसपास ये बैठक होगी और इसी के साथ कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। तो चलिए इस वक्त की दूसरी बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की दूसरी बड़ी अहम जानकारी जो कि आपको बता दें यूपी से सामने आ रही है, यूपी ने स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में सुविधाओं को जोड़ा। तो इसी के साथ ही बड़ी और अहम जानकारी, विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए सम्मान। इसी के साथ ही बड़ी और अहम जानकारी यूपी से सामने आ रही है, यूपी को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किया सम्मानित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में यूपी सबसे आगे रहा। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में यूपी सबसे आगे रहा, जिसके लिए उसे सम्मानित भी किया गया है। यूपी ने स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में सुविधाओं को जोड़ा। तो इसी के साथ ही बड़ी और अहम जानकारी, विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए यूपी को सम्मानित भी किया गया है। इसी के साथ बड़ी और अहम जानकारी यूपी से, जहां पर आपको बता दें कि यूपी को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में यूपी सबसे आगे रहा। इसी के साथ बड़ी और अहम जानकारी यूपी से, जहां पर आपको बता दें यूपी ने स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में सुविधाओं को जोड़ा है, जिसके लिए यूपी को सम्मानित भी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यूपी से, जहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपी को पुरस्कार भी मिला है। यूपी को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में यूपी सबसे आगे रहा। तो इसी के साथ ये बड़ी और अहम जानकारी यूपी से, यूपी ने स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में सुविधाओं को जोड़ा, जिसके लिए यूपी को सम्मानित भी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आपको बता दें इसमें औद्योगिक विकास, नगर विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा समेत कई विभागों के अहम प्रस्तावों को मुहर दिलाई जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दिलाई जा सकती है। अयोध्या एसटीपी बनाने को 10 एकड़ न्यूजल की जमीन नगर विकास विभाग को दिए जाने का प्रस्ताव भी पास कराया जाएगा।
तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार यानी आज जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें औद्योगिक विकास, नगर विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा समेत कई अहम प्रस्तावों पर इसे मंजूरी मिलेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दिलाई जा सकती है। अयोध्या में एसटीपी बनाने को 10 एकड़ नूजल की जमीन नगर विकास विभाग को दिए जाने का प्रस्ताव भी पास कराया जा सकता है। तो आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट की बैठक शाम 4:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। आपको बता दें इन अहम प्रस्तावों में औद्योगिक विकास, नगर विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा समेत कई विभागों के अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दिलाई जा सकती है। अयोध्या में एसटीपी बनाने को 10 एकड़ नूजल की जमीन नगर विकास विभाग को दिए जाने का प्रस्ताव भी पास कराया जा सकता है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें औद्योगिक विकास, नगर विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा समेत कई विभागों के अहम प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दिलाई जा सकती है। अयोध्या में एसटीपी बनाने को 10 एकड़ नूजल की जमीन नगर विकास विभाग को दिए जाने का प्रस्ताव भी पास कराया जाएगा। तो आज योगी कैबिनेट की बैठक है। आपको बता दें कि यह बैठक शाम 4:30 बजे के आसपास होगी और लोक भवन में इस कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा और कई अहम प्रस्तावों पर इस पर मुहर लग सकती है। तो आज कैबिनेट की बैठक जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई है। आपको बता दें कि 4:30 बजे के आसपास ये बैठक आयोजित की जाएगी। लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है। अगर अहम प्रस्तावों की बात कर लें तो आपको बता दें कि औद्योगिक विकास, नगर विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा समेत कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी दिलाई जा सकते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अगर बात कर लें, आज सीएम योगी की कैबिनेट बैठक है, उन्होंने आज एक कैबिनेट बैठक बुलाई है, तो क्या कुछ इसमें अहम रह सकता है और कितने बजे से ये शुरू हो सकती है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए निशा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे दिन भी गोरखपुर रहेंगे। पहले दिन नवरात्रि शुरू हुई थी, गोरखपुर और आज भी दूसरे दिन बाद जो उनका लगातार जो कार्यक्रम रहता है वो कहीं ना कहीं लगभग बात की जाए तो खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ के खिलाड़ी को सम्मानित करने का काम करेंगे और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 4:30 बजे लखनऊ की लोक भवन में बैठक होनी है। कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे और कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। प्रस्ताव की बात की जाए तो एक कहा जा सकता है कि 1 दर्जन के आसपास जो है प्रस्ताव होंगे और उसमें बात की जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास, नगर विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा समेत कई विभागों के अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की नीति जो 2022 के मसौदे को मंजूरी भी दिलाई जा सकती है। दूसरा बात की जाए तो अयोध्या में एसटीपी बनने के लिए 10 एकड़ नजूल की जो जमीन है उस जमीन पर नगर विकास को दिए जाने का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है और ऐसे कई अहम प्रस्ताव हैं जो कि विकास से जुड़े होंगे। प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट मंजूरी दे सकती है, क्योंकि लगातार अयोध्या की बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण है और अयोध्या का और अयोध्या के मंदिर को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द तैयार करने के लिए सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है। बजट से लेकर हर चीज के लिए निरीक्षण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं, तो काफी अहम चीजें हैं। आज भी अयोध्या को कहीं ना कहीं विकास से जोड़ने के लिए, आगे ले जाने के लिए और उसको भव्यता से मंदिर को बनाने के लिए नजूर की जो जमीन है 10 एकड़ वो नगर विकास को दी जा सकती है। जितेंद्र वही बात कर लें, जिस तरीके से आज आपने बताया कि 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है, अगर वही बात कर ली जाए जो सबसे मेन फोकस रहेगा, किस बिंदु पर वो मेन फोकस रह सकता है आज की कैबिनेट बैठक का? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण की बात की जो तो अयोध्या की है और अयोध्या क्योंकि 2022 चल रहा है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द अयोध्या के मंदिर को बनाया जा सके और उसमें उसके बाद बात की जाए तो औद्योगिक विकास से, क्योंकि लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको छूने का काम किया जाए, तो सरकार उस निवेश के क्षेत्र में भी काम करने का काम कर रही है। और माध्यमिक शिक्षा को आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश में
बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। तो कई अहम प्रस्ताव है ऐसे, और महत्वपूर्ण बात की जाए अयोध्या का भी प्रस्ताव महत्वपूर्ण, तो इन सब पर सरकार आज मुहर लगा सकती है। चलिए जितिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय सत्र मंगलवार यानी आज है। आपको बताते कि सत्र में पराली जलाने, जीएसटी और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा और सदन में विपक्ष का भारी विरोध देखने को मिल सकता है। विपक्ष ने अवैध रेत खनन, सतलुज यमुना लिंक नहर और कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। शनिवार को भगवंत मान की सरकार ने राज्यपाल को विधानसभा के सत्र में पराली जलाने, जीएसटी और बिजली आपूर्ति जैसे विचार करने की सूचना दे दी थी और इसमें पहले राज्यपाल और सरकार के विशेष सत्र बुलाने पर ठन गई थी। राज्यपाल ने विश्वास मत हासिल करने के लिए 22 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दी थी। एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाए जाने पर पंजाब की आप सरकार पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा ने इसे मजाक बताया है। उनका कहना है कि सत्र को असमय बारिश के कारण फसलों को नुकसान, सतलुज यमुना लिंक नहर जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। विधायक खेरा ने ट्वीट करते हुए कहा कि कल का विधानसभा का सत्र एक मजाक है, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का 1 करोड़ खर्च करने के बाद प्रश्नकाल नहीं रखा गया है। श्रोमणी अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि राज्य के महत्वपूर्ण विषयों जैसे भ्रष्टाचार, अवैध रेत खनन, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति और आबकारी नीति पर विचार करने के लिए सत्र की अवधि लंबी होनी चाहिए थी। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पंजाब विधानसभा सत्र पर और अधिक चर्चा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमें जिस तरीके से बात कर लें, आज पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय सत्र जो है बुलाया गया है, क्या कुछ इसमें अहम रहने वाला है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, आज का सत्र काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन कई बातें ध्यान में रखने के लिए होंगे, क्योंकि इससे पहले अगर हम कहें कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस को लेकर एक कॉन्फिडेंस मोशन 22 तारीख को बुलाया गया था, पर इसकी सहमति लास्ट मूड पे ले ली गई थी, तो कहीं ना कहीं आज ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइवेट बिल लाया जा सकता है पंजाब आम आदमी पार्टी की तरफ से सेशन के दौरान। तो इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि ऑप्शन रखी गई है कि इस सेशन में प्राइवेट बिल्स लाए जा सकते हैं, तो पंजाब कांग्रेस की तरफ से और लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप बाजवा की तरफ से बकायदा 17 पॉइंट लिखेंगे, जो 17 मोशन तो लाने जाते हैं, और वहीं बीजेपी की तरफ से बकायदा चिट्ठी लिखी गई है स्पीकर को, और जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया, तो उसको लेके और विधानसभा सेशन में वो चाहते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाए। तो ये कुछ मसले हैं जो हम कह सकते हैं कि प्राइवेटली पहले आ सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल बिजनेस जिसकी पहली जानकारी दी गई है उसकी हम बात करें, तो वहां पर क्या मुद्दा जो अभी हम लंबी स्किन का मुद्दा वो आ सकता है, पानी का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो का ऑफिशियली लाने की जानकारी पहले दीजिए और इनके ऊपर चर्चा हो सकती है। पर सवाल असली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये अड़ा हुआ है कि क्या कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर प्राइवेट बिल आएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी चीज को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी अमित, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस नेता ने निशाना साधा है, कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा ने उन पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए इस विधानसभा के सत्र को मजाक बताया हुआ है। जी देखिए, कहीं ना कहीं सुखपाल खेरा इस बात को दर्शाते नजर आए कि ये जो एक दिन का सेशन बुलाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए बुलाया गया है। इस चीज के बहुत तंज कसते हुए नजर आए। उनका ये कहना था कि जब पिछले सेशन जिसके लिए स्पेसिफिकली बुलाया जा रहा था उसकी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि संवैधानिक तौर पर उसकी परमिशन नहीं बनती है, तो उसके बाद अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं घुमा फिराकर उस मोशन को लाने की कोशिश की जा रही है, चाहे प्राइवेट बिल के जरिए लाई जा रही हो चाहे किसी और तरीके से लाई जा रही हो। तो इसके ऊपर वो सीधे तौर पर बोलते हैं कि एक मॉकरी है, विधानसभा का जो सेशन होता है पंजाब के लोगों के लिए होता है, पर इस बार हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार की तरफ से जो ये सेशन लाया जा रहा है ये पंजाब के लोगों के लिए नहीं, अपनी अगर हम कहें ताकत डिपिक्ट करने के लिए है। जी
अमित, वही बात कर लें, अगर विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष किन किन मुद्दों पर आज सरकार को घेर सकता है? हाँ देखिए, विपक्ष की तरफ से हम बात करें तो सीधे तौर पर आपके देखिए एलओपी प्रताप बाजवा की तरफ से 17 पॉइंट दिए गए, 17 प्राइवेट बिल्स, 17 पॉइंट पे वो चर्चा की मांग करे, जिसमें लंबी स्किन है, पंजाब का मुद्दा है, पराली का मुद्दा है जो अभी बारिश से नुकसान हुआ है, पानी का मुद्दा है, लगभग 17 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से डिस्कशन रखी जाए, जो प्राइवेट बिल्स लाए हैं उसके ऊपर डिस्कशन की जाए। तो कहीं ना कहीं 17 पॉइंट्स ये वो हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो प्राइवेट बिल लाने के ऑप्शन खुद पहले डिसाइड किए जाते हैं कि क्या इस सेशन में प्राइवेट बिल आएगा या नहीं आएगा, टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत कुछ चीजें। तो उन सब पर वो बोल रहे हैं कि 17 मुद्दे उनकी तरफ से रखे गए जिसमें वो चाहते हैं कि डिस्कशन हो, जिसमें से अहम मुद्दे कुछ हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बिजली का मुद्दा हो गया, पराली का मुद्दा हो गया, जिस बार पराली मेन मुद्दा उठा है क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब में परालियां जलनी शुरू हो चुकी है और इसका असर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर पंजाब ही नहीं, हम कहेंगे दिल्ली, हरियाणा और यूपी में भी देखने को मिलता है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर फैले आक्रोश के बीच अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। आपको बता दें कि फाइनल पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है और साथ ही शरीर पर 4 से 5 चोट के निशान के बारे में पता चला है। रविवार को अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाना था लेकिन पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद परिजनों ने उसे रोक दिया और परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग की थी। हालांकि बाद में परिजनों ने अंकिता का अंतिम संस्कार करा दिया था। गौरतलब है कि 19 वर्षीय अंकिता भंडारी कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। बीते शनिवार को अंकिता का शव ऋषिकेश में एक नहर से बरामद किया गया था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करने के बाद पुलकित आर्य सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। एसआईटी प्रभारी द्वारा एसआईटी सदस्यों के साथ मिलकर घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया और मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स से प्राप्त करके परिजनों को दिखा दी गई है। घटनास्थल के सभी भौतिक साक्ष्यों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल, सीडीआर आदि इलेक्ट्रिक साक्ष्य प्राप्त करके गहन से विश्लेषण कर अध्ययन किया जा रहा है और एसआईटी की ओर से कहा गया है कि मामले के मुख्य गवाहों, रिसोर्ट कर्मियों से पूछताछ जारी है। फॉरेंसिक टीम द्वारा पहले ही घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। रिसोर्ट में घटना के दिन ठहरने वाले गेस्ट की सूची प्राप्त कर गहनता से विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात कर ले अंकिता हत्याकांड को लेकर कर बात कर ले तो अंकिता हत्याकांड की जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है, तो इस पर क्या क्या खुलासे हुए हैं, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अंकिता की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें बिल्कुल ये साफ हो गया है कि अंकिता की जो मौत है वो डूबने से हुई थी। हालांकि उसके शरीर पर जो है 5 चोट के निशान भी पाए गए थे, तो अभी इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर वो चोट धक्का देकर जो अंकिता नीचे नहर में गिरी थी उसके कारण लगी थी या फिर उसे पहले मारा पीटा गया था तब गिरी थी। तो इसी क्रम में मैं आपको बता दूं जो रेणुका देवी है और पुलिस उप महानिरीक्षक उनके अध्यक्षता में एक एसआईटी टीम गठित की गई है, जिस टीम ने वहां पर डेरा डाला हुआ है, वो बहुत गहनता से जांच कर रही है कि आखिर रिजॉर्ट में कौन कौन लोग और आते थे और कौन कौन लोग वहां पर रुकते थे। तो बहुत गहनता से जांच चल रही है क्योंकि मैं आपको बता दूं ये मामला बहुत बड़ा मामला बन चुका है, इसमें कई लोग जो है और अभी जद में आ सकते हैं। अब ये गहनता से जांच चल रही है कि उसकी मौत के पीछे आखिर राज क्या है, क्यों उसकी मौत कर दी गई और इस रिजॉर्ट में और क्या क्या काम होते थे। जी तारीख, वहीं अगर बात एसआईटी की कर ले तो एसआईटी का जो अभी तक पूछताछ का दौर है वो कहां तक पहुंचा है, कहां तक एसआईटी की जांच पहुंची है, एक बार उसे लेकर भी पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, एसआईटी वहां के जो लोकलाइट लोग हैं वहां पर भी पूछताछ कर रही है, जो गवाह हैं उनसे भी खुलकर मतलब पूरी बातचीत कर रही है कि आखिर क्या क्या उन लोगों ने देखा। मैं आपको बता दूं वहां पर जो लोगों की भीड़ जमा थी वहां पर भी जो है लोग, कुछ लोगों का ये मानना था कि यहाँ पर आए दिन जो है कई आला मतलब बड़े बड़े लोग आते थे, सफेद सफेद पोश लोग आते थे। तो एसआईटी की पूरी यह कोशिश है कि आखिर यहाँ पर कौन आता था और क्या कितने दिन रुकता था और कैसे आता था, तो पूरी जांच
वहां पर गहनता से की जा रही है। तो एसआईटी इसी क्रम में अपना काम कर रही है। वहां पर रिसोर्ट में जो सबूत थे वो जुटा लिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज थे वो निकाल लिए गए हैं। तो लगातार एसआईटी की यही कोशिश है कि संकिता हत्याकांड में जो आरोपी है वो तो पकड़े गए हैं, लेकिन इसके पीछे और क्या जो है वहां पर रिजॉर्ट में होता था, क्योंकि मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री के निर्देश पर कई और रिजॉर्ट में भी जो है छापेमारी की गई है। पूरे उत्तराखंड में कई रिजॉर्ट में छापेमारी अभी भी की जा रही है, क्योंकि वो अनियमित बने हुए हैं। पर मैं इस रिजॉर्ट की बात करूं तो ये भी अनियमितता की जो है दायरे में रिजॉर्ट आता था, हालांकि फिर भी ये संचालित हो रहा था। तो सरकार इस हत्याकांड के बाद और तमाम रिजॉर्ट की जांच कराने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे, उन्हीं निर्देशों पर जो है आगे का काम हो रहा है। और लगातार एसआईटी की यही कोशिश है कि इस केस में जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाए और अंकिता के कब मौत का आखिर मकसद क्या है, उस रिजॉर्ट में ऐसा क्या चलता था जिसको लेकर अंकिता को भी प्रताड़ित किया गया। ये तमाम चीजें एसआईटी लगातार इन मुद्दों पर जो है गहनता से जाँच कर रही है। जी चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।